नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि यदि सपने में आप गैंडे को, जिसे राइनो भी कहते हैं, यदि आप उसे देखते हैं तो ये सपना क्या बताता है। देखिए, सबसे पहले साइकोलॉजिकल मीनिंग की बात करेंगे और उसके बाद हम एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग पर आएंगे। तो अगर हम ये सपना बार बार देखते हैं तो साइकोलॉजिकली ये सपना बताता है कि जो स्वप्न दृष्टा अर्थात जो भी व्यक्ति स्वप्न को देखने वाला है, वो अपनी ज़िंदगी में शांति के साथ आगे बढ़ रहा है, दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, या वो अपने अंदर एक ताकत और शक्ति महसूस करता है, तब भी आपको राइनोसॉरस के सपने आते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ताकतवर, बहुत बड़ा विशालकाय जानवर है। तो ये सपना जो होता है, कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपके अंदर शांति और जो पावर है, जो ताकत है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके अलावा राइनोसोरस का जो सपना होता है, वो बताता है कि आप अपने अंदर जो छुपा हुआ जो भ्रम है, जो परेशानी है, जो चिंता है, आप उससे बाहर आएंगे, आप अपने अंदर छुपी हुई ताकत को पहचानेंगे, और निश्चित रूप से यदि आप अपनी छुपी हुई प्रतिभा को पहचान लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से एक विशेष सफलता आगे आने वाले समय में प्राप्त होगी। इसके अलावा यह सपना साइकोलॉजिकली आपके जीवन में बुद्धिमत्ता बढ़ने, ज्ञान बढ़ने की ओर भी संकेत करता है। यदि एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं कि गैंडे का सपना क्या बताता है, तो देखिए, गैंडे का सपना देखना बहुत शुभ होता है। ये सुख शांति के बढ़ने, ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव बदलाव आने की ओर भी संकेत करता है, कभी कभी सफलता प्राप्ति की ओर भी संकेत करता है। खासकर यदि आप गैंडे को हरी घास चरते हुए देखते हैं तो यह सपना बहुत शुभ होता है। इसके अलावा आप ये देखते हैं कि कोई गैंडा आपका पीछा कर रहा है, तो ये सपना बताता है कि आप अपने काम में आगे की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन मानसिक चिंताएं बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये सपना बताता है कि आप थोड़ा सचेत होकर और थोड़ा रिलैक्स्ड होकर अपने कामों को करें। अब यदि बात करें कि छोटा सा राइनोसोरस आप देखते हैं, छोटा सा गैंडे का बच्चा देखते हैं, तो यह बताता है कि आपको आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया मुकाम हासिल करेंगे। यदि आप सपने में सफ़ेद गैंडा देखते हैं तो यह प्रयासों में सफलता, आत्मविश्वास में वृद्धि और ज़िंदगी में शांति और सुख के आने की ओर संकेत करता है। यदि आप सपने में काला गैंडा देखते हैं तो यह बताता है कि आपकी आकांक्षाएं बहुत बढ़ेंगी। और काला रंग जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है, बदलाव का भी होता है। हो सकता है ज़िंदगी में आपको एक बहुत बड़े बदलाव से भी गुजरना पड़े, हो सकता है प्रारंभिक अवस्था में वो बदलाव आपको कठिन लगे, कठोर लगे, अच्छा ना लगे, लेकिन वो जो भी बदलाव है वो आपके लिए पॉजिटिव होगा यदि आप उस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं। इसके अलावा आप यदि मरा हुआ गैंडा देखते हैं तो ज़िंदगी में बदलाव को बढ़ने, साथ ही साथ थोड़ा सा संदेह बढ़ा है चीज़ों को करने में, उस ओर भी संकेत करता है। तो ये जो सपना है आपको कहीं ना कहीं संकेत कर रहा है कि आप जो भी डिसीज़न ले रहे हैं वास्तविक ज़िंदगी में, सही डिसीज़न लेने के लिए शांत होकर, मेडिटेट होकर देखें कि क्या चीज़ सही है आपके लिए और क्या चीज़ गलत है। इसके अलावा अपने संदेह को कम करें तो निश्चित रूप से आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी काम को कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।